आने वाले हैं खनिज पदार्थ, प्रमुख खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थों की दृष्टि से इनमें कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है खनिज पदार्थों का भंडार गृह, इसका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ से उत्तम किस्म का लोहे अयस्क प्राप्ति होती है? उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका होगा वेला डीला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लोहे खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, कुद्रेमुख एक चोटी भी है। दोस्तों इसका आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला खान से खनन के जाने की लोहे अयस्क निम्न किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुद्धन की फाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका आंसर होगा लोहे अयस्क। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य? दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लोहे किस प्रकार का होता है? इसका आंसर आपको बताना है, किस प्रकार का? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीरेटाइट, लिमोनाइट। तो इसका आंसर होगा हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावर रामपुरा आगुचा खनन किस क्षेत्र के संबंधित है? ये राजस्थान में है। और दोस्तों इसका आंसर होगा शीशा व जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा। दोस्तों इसका आंसर होगा राजस्थान। आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन दबाओ।